3, 2, 1 ले ले मुझे। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है मेरा चंडीगढ़ में डे टू, और जो आज का दिन है वही हमारा प्रॉपर डे है चंडीगढ़ को एक्सप्लोर करने के लिए। कल तो हम ऑब्वियसली ट्रैवल करके आए थे, बहुत ज्यादा थक चुके थे, इसलिए हमने कुछ ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था और हमारे पास टाइम भी नहीं था। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि जिस होटल में हम रुके हैं ये होटल बहुत ज्यादा अच्छा है, और इस प्रॉपर्टी का नाम है द स्काई व्यू होटल। और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बहुत ही बढ़िया सिनेमैटिक शॉट्स के साथ ये पूरी प्रॉपर्टी। तो हमारा रूम कुछ ऐसा है, थोड़ा सा मेसअप है इसलिए जजमत करना। ये डबल बेड है, यहाँ पे एक सिंगल बेड लगा हुआ है, ये टीवी है और ये विंडो है, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है। और ये प्रॉपर टेबल है, वर्क स्टेशन हो सकता है, यहाँ पे आप बैठ के इजीली काम कर सकते हो। एक और टेबल जिसमें हमारा सारा सामान रखा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा फ्रिज है, ये अलमीरा है, और ये है शीशा, और उस शीशे के सामने है तुम्हारा भाई, मतलब कि यहाँ पे खड़ा है। और ये वॉशरूम है, इसमें मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी रत्तिक नहा रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा खराब कंटेंट मिल जाएगा वो अगर मैं इसे दिखाऊंगा तो। और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस रूम की मेन हाईलाइट और वो पार्ट जो मुझे बेस्ट लगा इस पूरे रूम का। भाई टाइम क्या हो रहा है? डेढ़ बजने वाले हैं और अब तक हमने ब्रेकफास्ट किया नहीं है, होटल में ही है। दिमाग के दही हो चुके तेरे बहुत ज़्यादा, और वो इसलिए क्योंकि रत्तिक बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है भाई, इतना तो लड़कियाँ टाइम लगाती तैयार होने में। और अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा क्या अच्छा सा फोटो शूट करा ले क्योंकि लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down. You're too strong, wanna battle with the beast, bring a few on. The commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque, never sleep, eyes open, hands clutching on my throat, this a war zone. पता है आज इसके बर्थडे है, वैसे हम कुछ इसको बोल नहीं रहे। इस बंदे ने इतना लेट कर दिया, तो 2 बज गए हम अब तक भाई होटल से बाहर ही निकले। भाई तू कर क्या रहा है, क्या चल रहा है? मैंने कुछ किया ही नहीं है। पता नहीं क्या आज है, 1 तारीख भेज सकते हैं इसको यार। अब लोगों को लग रहा होगा हम बहुत ज़्यादा खुश है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इरिटेट है अभी रत्तिक से हम, क्योंकि बहुत टाइम लगा रहा, पता नहीं क्या ही कर रहा। मैं अभी दोबारा वो शैम्पू करने गया, और मैं आपको जेन्युइनली बता सकता हूँ आ जाएगा ना, देख लेना डिफरेंस क्या है। डिफरेंस लगता हूँ शैम्पू करने के बाद भी और उसके पहले भी। रत्तिक शैम्पू करके आया, डिफरेंस बताओ। नहीं नहीं, अरे भाई तूने यहाँ 1 घंटा परेशान कर दिया, डिफरेंस देखो आप। कोई डिफरेंस नहीं है ये, पता है? ठीक है, तेरे बर्थडे की ट्रिप बनती जा रही है, इसका मतलब ये नहीं जो तेरा मन करेगा वो करता रहेगा तू। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं, चाहे मेरी बर्थडे की ट्रिप हो ना, ये मेरा घर है, जो चाहे वो करूंगा। फक ऑफ। ये देख सकते हो ये पूरी मार्केट है, यहाँ पे मिलता है अमृतसरी कुलचा, बहुत ही टेस्टी वाला, काइंड ऑफ प्रॉपर हब है। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत, और वो है पार्किंग, यहाँ पे सिटिंग की भी बहुत बड़ी दिक्कत है, इसलिए हमने ऑर्डर दिया है और अब हम गाड़ी में ही खाएंगे। भाई साहब खाना खा के हो चुका है एकदम मन तृप्त। हाँ है ना, एकदम बढ़िया वाला। पर जैसा आप सबको पता है कि मैं तो एक डाइट पे रहता हूँ, डाइट फॉलो करता हूँ, वह भी फॉलो करता है, पर आज हमने अपनी डाइट की लगा दी भाई, चीज़ आलू पनीर क्या क्या नहीं खाया, डाइट भी मार दी बेटे। अब आप लोग क्या हो गया, अरे मार्केट कौन सी थी? तो है सेक्टर 9C की मार्केट।
फिर हम पार्किंग से सुखना लेक ऊपर आए और पता पहला रिएक्शन क्या था? अब आपना जरा व्यू देखो मेरे पीछे, ये पूरी लेक है, लेक की उस तरफ पहाड़ है, पहाड़ की उस तरफ बड़े बड़े बादल। आई नो कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा पर क्या कर सकता है। ये मेन स्पॉट है सुखना लेक का, यहाँ पे बोटिंग भी होती है। हम तो इसलिए नहीं करते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बोटिंग भी पैडल वाली है, तो ये ज़बरदस्ती की मेहनत करना तो भाई हमारे बस की नहीं है। पर हम वॉक करने के लिए ये वाली लोकेशन एकदम परफेक्ट है क्योंकि वही बोटिंग भी पास है और यहाँ पे छोटी सी एक मार्केट भी लगती है शाम को। अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे आ चुके हैं और ये है रॉक गार्डन। और यहाँ पे आते ही मुझे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है क्योंकि एकदम बचपन की यादें ताज़ा हो गई। अच्छा, अगर आप रॉक गार्डन आ रहे हो तो मैं आपको पहले बताता हूँ, 30 रुपये का टिकट लगता है। और रॉक गार्डन के बारे में जानना है तो भाई जान लो, मैंने शॉट ले लिया, रोक के पढ़ लेना, किसी नेक चंद जी ने बनाया, बहुत ही नेक इंसान थे। रॉक गार्डन आर माइंड योर हेड, बहुत ही नीचे है सारी जगह। जैसे कि आप लोग ये QR कोड देख पा रहे हो, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये। एक ऐप आती है गो वॉट्स दैट, ये iOS और एंड्रॉइड दोनों में आपको मिल जाएगा। ये चंडीगढ़ गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करो और इन बार कोड को स्कैन करो तो आपको पता लग जाएगा इस रॉक की क्या मीनिंग है। चंडीगढ़ में जितने भी म्यूजियम और जितने भी ऐसे गार्डन हैं वहाँ पे ये सारे बार कोड लगे हुए हैं। Y'all see me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. See me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round, I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. You're too strong, wanna battle with the beast, bring a few on. The commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistling. Rock Garden में एक और जगह अंदर डॉल म्यूजियम, अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एक्चुअली ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। एनिमल्स में नाम जा रहे हैं आपको, एनिमल्स। और देखो आप देख रहे हो, मैं कह रहा था जैसे अगर आपके हेड लंबे मत आओ यहाँ पे, बहुत बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है। जगह बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है नो डाउट, पर बहुत ज़्यादा बड़ी है। घूमने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी आपकी। आओ डेफिनेटली, मैं मना नहीं कर रहा, थोड़ा टाइम निकाल के आओ। तो बेसिकली हुआ क्या था, रॉक गार्डन से निकलने के बाद मेरे जो कैमरा थी उनके जो बैटरी थी वो एकदम डेड हो गई थी। तो अभी हम अपने रूम पे आए थे, हमने सारी चीज़ें चार्ज करी और ये बार बार इसमें फॉग जम रहा है तो सॉरी। अब टाइम हो रहा है शाम के 7:15 और अब हम जा रहे हैं सेक्टर 17 की मार्केट। बेसिकली सीन ये था कि अभी कुछ घंटे बाद ऋतिक का बर्थडे है तो हमें उसके लिए केक लेना था, पर दिक्कत ये हो गई कि ऋतिक भी हमारे साथ आए, थोड़ा सा प्लान हमारा कैंसिल हो रहा है। हम सेक्टर 17 के मार्केट आए इसलिए थे यार, मेरे को रिकॉर्ड करो ऋतिक का केक लेने, और इसको पता लग गया साथ, साथ आ गया हमारे। मैं केक नहीं काटूंगा। क्या काटेगा? चूतिया। अच्छा भाई, अगर चंडीगढ़ आ रहे हैं तो देख सेक्टर 17 आना तो मैंडेटरी है ना, क्योंकि पता है कोठियां का रहा है सेक्टर 17। अगर आप सेक्टर 17 आते हो तो सॉफ्टी जरूर खाओ, बहुत ही टेस्टी सॉफ्टी है। हालांकि मेरी तो डाइट बहुत ज़्यादा खराब हो गई है सब चीज़ें खा के, तो मैं 1-1.5 साल बाद खा रहा हूँ तो यू नो आई डिजर्व इट, बनता है मेरा। आफ्टर 7 आलू पैटी 15 की जगह 10 की हो जाती है, तो मैंने पैसे बचा लिए। सेक्टर 17 जितनी बड़ी मार्केट है उस हिसाब से यहाँ पे लाइटिंग ना बड़ी ख़राब थी। और अब हम जा रहे हैं अपने होटल वापस नाइट लाइफ देखने चंडीगढ़ की, तो बहुत ही अमेजिंग पब है, हम वहाँ पे जाएंगे और अब मैं सीधा आपको थोड़ी देर बाद ही मिलता हूँ। ओके, तो अब हमारी चंडीगढ़ की जो ट्रिप है वो एकदम एंड के नज़दीक है बहुत ज़्यादा। अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम चंडीगढ़ आने वाले क्यों थे। हमें 2 महीने पहले आना था 21 मई को, मतलब कि मेरे बर्थडे में हमें चंडीगढ़ होना चाहिए था, पर हम उस दिन चंडीगढ़ नहीं थे क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज़ आ गए थे, इसलिए हम 2 महीने बाद आए हैं छोटे आरएस के बर्थडे पे। और अभी इसका बर्थडे आने वाला है, मतलब 1 घंटा रह गया, तो अभी हम करने जा रहे हैं पार्टी। तो ऋतिक भाई हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे ब्रो। भाई इधर देख, लव यू भाई। इस बंदे ने भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है मुझे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, सही बता रहा हूँ, मजाक करके बता रहा हूँ। और बस नहीं नहीं अरे सीरियसली हैप्पी बर्थडे, मुझे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है इस भाई ने। और नहीं लव यू ब्रो। और नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं किया।
flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now. हमारा थर्ड डे चंडीगढ़ में, बेसिकली हमारा लास्ट डे है और अब हम दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। और कल रात रफिक का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और चंडीगढ़ में रात को कुछ दिखाने के लिए इतना खास है भी नहीं। रिव्यू दे दूँ जहाँ पे हम पार्टी करने गए थे उस जगह का, और वो जगह जैसे कि आप लोगों ने देखा वो था पिरामिड क्लब और ये है एलांटे मॉल में। और क्या प्यारी जगह थी, जो लाइव म्यूजिक था वो बड़ा खतरनाक था और जो डीजे था वो उससे भी खतरनाक था। अब मैं विस्तार से बैठ के बताता हूँ आप लोगों को थोड़ा चंडीगढ़ के बारे में। अब देखो जो चंडीगढ़ सिटी है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सब कुछ प्लान है, ये तो हर किसी को पता है। सब कुछ यहाँ पे तरीके से होता है और जो सिक्योरिटी है वो तो लाइक नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल यहाँ पे कोई इशू नहीं है इन बातों का। और सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगी ना चंडीगढ़ की वो है यहाँ की पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है तो ट्रैफिक तो नाम मात्र को भी नहीं है। अगर आप दिल्ली या फिर मुंबई से आ रहे हो ना चंडीगढ़ में तो आपको तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होगी देख के, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता। आपको कहीं भी जाना है चंडीगढ़ में, एक कोने से दूसरे कोने में जाना है, आप 20-25 मिनट के अंदर पहुँच जाओगे। और क्लीन तो जो चंडीगढ़ सिटी है वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल क्लीन है। अब ये तो थी कुछ बढ़िया बात है, अब मैं आता हूँ थोड़ी बेकार बातों पे। सबसे बेकार बात जो मुझे लगी वो ये कि यहाँ पे इतना कुछ ना एक्सप्लोर करने को, इतना कुछ घूमने को नहीं है, थोड़ा रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है। और जो दूसरी ख़राब चीज़ है वो शायद मेरे लिए फिर हम लोगों के लिए है, वो है यहाँ का पानी, क्योंकि यहाँ का पानी हमें बिल्कुल सूट नहीं आ रहा। जब भी हम शावर लेते हैं और निकल के आता ना तो हमारे लाइक सीरियसली इतने इतने बाल टूट रहे हैं कि भाई साहब एक ज़रा सा हाथ मारा 2-3 बाल 4-5 बाल तो टूट के आएगा, इतना हेयर फॉल हो रहा है यहाँ पे। और जब भी हम पानी पी रहे हैं जो यहाँ का जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर जहाँ पे मिल रहा है, बहुत ही अजीब सा टेस्ट है उसका, थोड़ा खारापन ज़्यादा है। और जो चंडीगढ़ की बेस्ट बात है वो है यहाँ का क्राउड, यहाँ के जो कुड़े हैं और जो कुड़ियाँ हैं बॉय बहुत अच्छी हैं पर हमसे अच्छे नहीं है। सीख रहे हैं बातें, सीख ले बड़े भैया कुछ बातें कर रहे हैं कैमरा के साथ। उठ चले। जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स जो बने हैं वो थे मुंबई, गया, कट, वैष्णो देवी हो चुका, उदयपुर हो चुका, आगरा हो चुका और आज चंडीगढ़ भी गया। अब देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी आएगी। अपने होटल से हमने चेकआउट करा लिया और वहाँ पे सबसे बड़ी कमी यही थी कि वहाँ पे किचन नहीं है, तो इसलिए हम ब्रेकफास्ट करने आए सेक्टर 10 में। बहुत ही अमेजिंग जगह है, मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी है इसलिए मैं तो एकदम हैवी ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ। और ये जगह है कैसा विला विस्ता, थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा नाम है, अगर आ रहे हो चंडीगढ़ सेक्टर 10 के आसपास हो तो ज़रूर ट्राई करना। चंडीगढ़ से वापस हम दिल्ली की तरफ चल चुके हैं और हमने पहले ही होल्ड ले लिया है अंबाला हवेली में, क्योंकि यू नो द सुसु ब्रेक वो लिया था और ये फॉग जम गया फिर से। और अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे ब्लॉग ना करूँ क्योंकि सेम वही रास्ता है जो कि आप लास्ट ब्लॉग में देख चुके हो। तो बस इस ब्लॉग को करते हैं एंड। सो इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन और जाते थे सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, मेरा यूजर नेम है दिल्ली एट्रमैन। और बाकी क्या बोलना होता भाई, खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो, गाजियाबाद रहो, गाजियाबाद रहो, नोएडा रहो, दिल्ली रहो, हैदराबाद रहो। अगर अंकल आंटी ब्लॉग देख रहे हैं तो ये यहाँ पे कुड़ियाँ पटाने आए इसलिए इतना तो कॉन्शियस अपने लुक को लेके, हम तो नहीं है भाई। अच्छा तू नहीं पहना, मैंने तो पहना भी नहीं।